तो वो ओवर हाइप बोल सकते हैं बट ओवर रेटेड नहीं बोल सकते। एक चीज बताओ, ये पॉडकास्ट के अंदर बोलना ही क्यों है कि ओवर रेटेड है? मतलब मेरा अगर ओपिनियन इस चीज के ऊपर, देखो वैसे देखा जाए तो मतलब यार मैं इसको अच्छे वे में कैसे बोलूँ, मैं मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लोग मेरे को भी भरेंगे, बट इसको मैं अगर अच्छे वे में, देखो यार इसको अच्छे वे में लेना, मैं बुरे वे में नहीं बोला, आई फील लाइक ओवर रेटेड तो नहीं बट ओवर हाइप्ड बोल सकते हो एक तरीके से। क्योंकि देखो 2022 तक तो जॉनथन का ठीक था, ठीक है, तो 2022 तक तो जॉनथन नो डाउट ही वॉज गोटेड, ठीक है, बट 2023 में और 2024 के बीएमपीएस से पहले पहले तक तो जॉनथन का डेफिनेटली मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि ओवर हाइप हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस उसका डाउन हुआ था नो डाउट, और परफॉर्मेंस डाउन होने के बाद एक कह लो कि हल्का डाउनफॉल था उसका, एंड उस टाइम पे यार मतलब क्या बोलूँ, जो जो फैंस थे उनकी तो उम्मीदें थी कि ऑब्वियसली उनका फेवरेट प्लेयर कम बैक करें, बट मेरे ख्याल से जो उस इंडस्ट्री में बाकी लोग थे, कंपिटिटर्स थे, उनके लिए वो ओवर हाइप चीज़ हो जाती है कि हाँ यार बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है 1-1.5 साल से, एंड देन स्टिल पीपल आर आउट देयर वर सेइंग ही इज गोट, ही इज गोट, ही इज करेंटली द गोट। तो वो एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर के परस्पेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर के परस्पेक्टिव से कह रहा हूँगा कि भाई फिर फील होता है अबे दूसरे भी तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनका तो देखो ना, उनकी इतनी बात नहीं होती जितना उसकी जॉनथन की हो रही है। तो वो ओवर हाइप बोल सकते हैं बट ओवर रेटेड नहीं बोल सकते हो, बट नाउ व्हेन ही इज बैक ऑन द ट्रैक, हाँ अब वापिस से वो बोल सकते हैं कि वोटेड वाली फील्ड में आ गया, बट पिछले 1.5 साल में आई फील लाइक ही वॉज ओवर हाइप। क्योंकि पिछले 1.5 साल में हमें और भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिले ना जिन्होंने जॉनथन का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा आउट मैच किया है, मतलब बहुत अच्छा किया है उससे कंपैरिजन में, तो पांच उनकी बातचीत नहीं हुई, उन प्लेयर्स की बातचीत नहीं हुई। अगर मैं करंट बेसिस के परफॉर्मेंस पे उसके बोलता तो मैं रॉन्ग था, मैं खुद ही बोलता कि मैं गलत बोल रहा। हाँ आई मीन मेरा भी यही है कि बिफोर बीएमपीएस, फ्रॉम 2022 टू बिफोर बी एम पी एस ही वॉज ओवर हाइप, नाउ वेन ही इज बैक ऑन द ट्रैक, अब उसकी बातें होती है, अब उसकी बातचीत होती है, अब लोग उसको बोलते हैं जॉनथन इज गोड नाउ, तो आई एग्री बिकॉज उसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया। मैं आई फील लाइक मैं कितना भी अच्छे तरीके से भी बोलने की कोशिश करूंगा ना, पीपल विल स्टिल फाइंड नेगेटिविटी ओनली कि भाई ये बोला है, यानी कि ये गलत ही बोल रहा है ये तो। आई डोंट नो मैं एग्जैक्ट बताऊँ जा रहा हूँ क्या नहीं, बट आई डोंट नो भाई भाई देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ वरना फिर मुझे ये ना बोल दे कि बोल नहीं सकता है। बट या मैं इंटरनेशनल बहुत जल्द अभी ट्रैवल करने वाला हूँ, सो कौन कौन आना चाहता है मेरे साथ? मस्ती कर रहा हूँ।